जनता महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को बांटे गए स्मार्टफोन व टैबलेट अजीत मल। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद रामशंकर कठेरिया ने ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे एवं अध्यक्षता कर रहे प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार दुबे के साथ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा छात्र छात्राओं के लिए चलाई जा रही स्मार्टफोन एवं टैबलेट योजना बहुत ही सराहनीय योजना है, जिससे युवाओं को नई दिशा मिलेगी। सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि छात्र छात्राओं को लैपटॉप और मोबाइल वितरित किए गए हैं, उनमें से कितने छात्र और छात्राएं लैपटॉप और मोबाइल का सही उपयोग करेंगे। मुख्य अतिथि द्वारा बीएड एवं बीएससी तथा बीएड के फाइनल के 254 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन तथा M0/0 तथा एमएससी के फाइनल 62 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरण किए गए। कार्यक्रम में कुल 316 टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम में सुनील कुमार दुबे मंत्री, प्रबंध समिति प्राचार्य डॉक्टर सचिंद्र मोहन शर्मा, पूर्व प्राचार्य उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख रजनीश पांडे, आसाराम राजपूत, कर्मवीर सिकरवार इत्यादि भाजपा नेता, एसडीए अखिलेश कुमार सहित विद्यालय के समस्त शिक्षक गण, कर्मचारी सहित विद्यार्थी गण मौजूद रहे। जनता महाविद्यालय में एक कैसा विद्यार्थी अजीत सिंह पुत्र कृष्णलाल निवासी खेतोपुरा अजीत मल, जो एमए फाइनल का भूगोल का छात्र है, जिस मिनट की परीक्षा उत्तीर्ण की उसको जनता महाविद्यालय के प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष उत्तम कुमार दुबे ने 5000 का इनाम राशि देकर सम्मानित किया और एक टेबलेट भी दिया गया। रिपोर्ट नितिन दीक्षित, ब्यूरो चीफ इटावा। ये संकल्प शक्ति का निर्माण करना, जिसने भी सीखा है, जिसने जो चाहा है वो बन गया है। आजकल तो हम बहुत देखते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां आईएएस सिविल सर्विस में फॉर्म निकल रही, कोई जॉब कर रहा है, किसी की दूसरा नंबर है, किसी का तीसरा नंबर है। इसमें कोई पैसे वाला और गरीब का भेद नहीं है यार। कई लोगों को हमने रिक्शा वालों के बच्चों को भी देखा है, टेम्पू वाले के बच्चों को भी पढ़ा होगा, ठीक से नहीं दे सकता है। इसलिए मैं आप सबको ये कहूंगा कि इस अवस्था में अपनी बहुमूल्य जिंदगी का जो मकसद है, जो तुम्हारे माता पिता की अपेक्षा है, जो आपके गुरुओं की अपेक्षा है, उस पर आप अपने आप को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ो। वही सुख है जो लोग दिल्ली में जाकर के मुखर्जी नगर में रहते हैं, यहां एटीएम साहब बैठे हैं, इन्होंने टीसीएस क्वालिफाई किया हुआ, आज यहां बैठे हैं, उनके पास गाड़ी है, आज उनको मंच में बिठाया गया, लेकिन उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ में 12-12, 15-15 घंटा पढ़ा होगा तब टीसीएस क्वालिफाई किया होगा। 5 साल की मेहनत है, 4 साल की मेहनत है, 5 साल 4 साल में जो लोग तय करते हैं वो बन जाते हैं। दिल्ली में भी बन जाते हैं, पहले इलाहाबाद बन जाते थे, इलाहाबाद नहीं माने तो दिल्ली बन जाते। 5 साल जो मेहनत करके अपने आप को तपाता है वो 50 साल तो खुद जिंदगी सुखी से जीता है और 5 पीढ़ियां आगे की भी उसकी सुखी से बीत जाती है। इसलिए इस समय की कीमत को समझो, इस जिंदगी की कीमत को समझो, है माता पिता की जो अपेक्षा है उसको पूरा करो। यही आपके लिए मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है। और इस स्कूल में, इस कॉलेज में आज भी इतना खुश कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा उस कॉलेज में मैं आज हाजिर दे रहा हूं। मेरी आपको शुभकामनाएं कि आप भी कुछ ना कुछ बनके